क्वेश्चन नंबर 19, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। स्टेटमेंट 1, द सिस्टर्ने एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेज एंड ट्रांस फेज। अभी अभी हमने देखा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्ने हैं उसमें दो फेजेस होते हैं, एक जहां से रिसाइकल फ्यूज करेगा दैट इज सिस फेज, और एक जहां से मॉडिफाई होकर बाहर निकलेगा दैट इज ट्रांस फेज। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द सिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज, ये भी हमने देखा था, एंड ट्रांस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेच्योरिंग फेज, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।